सदर विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही अब नहीं रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के ILBS अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। दरअसल पिछले 3 महीनों से वो बीमार चल रहे थे, तो 9 फरवरी को दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया और जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि सुबह 10 बजे उनका पार्थिव शरीर बुलंदशहर ले जाया जाएगा। तो जिस तरह से बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिंह का निधन हुआ है, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निधन पर शोक व्यक्त किया है। परिवार को सांत्वना यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। तो वीरेंद्र सिंह सिरोही के जो बेटे हैं, सीएम योगी ने उनसे बातचीत की है और कहा ही जा रहा है कि परिवार से मिलने बुलंदशहर सीएम योगी जा सकते हैं। तो बीजेपी के विधायक हैं और आज उनका निधन हो गया है। 3 महीने से लगातार वो बीमार चल रहे थे और उनके निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बेटे से बातचीत यहां पर की है, वो ट्वीट हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, तो देख सकते हैं। बुलंदशहर सदर से विधायक वीरेंद्र सिरोही के निधन को लेकर सीएम योगी का वो ट्वीट जहां सीएम योगी ने वीरेंद्र के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं सिरोही जी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं। उनका जाना समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को दुख को सहने की शक्ति दे। और समीर अली हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। समीर, दुख की घड़ी है, बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिरोही जिस तरह से उनका निधन हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी संवेदनाएं परिवार के प्रति यहां पर प्रकट की हैं। क्या जानकारी, कहा जा रहा है कि बुलंदशहर 10 बजे उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, तो क्या उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे? परिवार से मिलने की बात भी कही जा रही है। खुद परिवार से बात की है और उनको दुख में शामिल होने की बात कही जा रही है। देखिए, अभी पार्थिव शरीर जो है नहीं पहुंचा है बुलंदशहर, अभी ये कहना सही नहीं होगा कि मुख्यमंत्री अभी पहुंचेंगे बाद में, लेकिन मुख्यमंत्री ने परिवार के लोगों से बात की है और उनसे कहा है कि धीरज बनाए रखे, क्योंकि एक वीरेंद्र सिरोही एक बड़ा नाम बीजेपी का रहे हैं और शुरू से ही बीजेपी के विधायक भी रहे हैं कई बार और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, तो काफी क्लोज बताए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी पहुंचे बुलंदशहर। जी चलिए, धन्यवाद आपका समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।